रेवेंज या बेपनाह मोहब्बत एपिसोड नंबर 6। सांझ शौर्य की बात सुनकर कहती है, शौर्य तुम अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, प्लीज़ समझो हम एक नहीं हो सकते। शौर्य कहता है, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। तो सांझ अपने मन में कहती है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम छोटी को नहीं बचा पाएंगे, और अगर मैंने शौर्य की शर्त मान ली तो रणविजय अंकल पता नहीं क्या करेंगे। सांझ कुछ सोचकर कहती है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। सांझ आगे कहती है, पर हमारी एक शर्त है, पहले आपको हमारी बहन की सर्जरी करनी होगी, उसके बाद हम आपसे शादी करेंगे। तो शौर्य हंसकर कहता है, मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, पर सर्जरी के तुरंत बाद हमारी शादी होगी, मंजूर है? तो सांझ कहती है, मंजूर है। शौर्य कहता है, चलो आज ही सर्जरी होगी। तो सांझ एक तरह खुश हो जाती है, पर दूसरी तरफ उसे बुरा भी लगता है, क्योंकि एक तरह से वो सौदा कर रही है। सांझ शौर्य से कहती है, क्या आज ही? तो शौर्य कहता है, हाँ आज ही। सांझ शौर्य की आंखों में आंखें डालकर कहती है, क्यों आपको हम पर भरोसा नहीं कि हम ये शादी करेंगे? तो शौर्य कहता है, शायद मेरे दिल को तुम पर भरोसा है पर दिमाग को नहीं। तुम पर भरोसा तो 5 साल पहले ही उठ गया था, जब तुमने मुझसे जो वादे किए थे उन्हें तोड़कर चली गई थी। सांझ शौर्य की बात सुनकर कुछ नहीं कहती। शौर्य कहता है, चलो, और सांझ का हाथ पकड़कर कैबिन से बाहर निकल जाता है। ऑफिस के सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि शौर्य ऐसे पब्लिक में किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ता था। शौर्य सांझ को हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की सारी तैयारियां करवा लेता है। सारा हॉस्पिटल हैरान था, क्योंकि सब जानते थे शौर्य सिर्फ वीआईपी सर्जरी करता था। डॉक्टर्स हैरान थे कि एक मिडिल क्लास लड़की ने उसे कैसे मनाया। कुछ 6 घंटों की सर्जरी के बाद शौर्य ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, तो सांझ उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? तो शौर्य कहता है, 100% सक्सेसफुल रहा। तो सांझ एक गहरी सांस लेकर भगवान को धन्यवाद कहती है। डॉक्टर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चला जाता है सांझ को लेकर। वो बाहर निकलता है हॉस्पिटल के, तो सांझ कहती है, पर शौर्य अभी तुम थके हुए होगे, तुम आराम कर लो, मैं भी रुद्राक्षी के पास रुकना चाहती हूँ। तो शौर्य कहता है, सांझ रुद्राक्षी को अभी 24 घंटे तक होश नहीं आएगा, और मैंने डॉक्टर्स को सब कुछ बता दिया है, 2 नर्स उसके पास ही रहेंगी, तुम चिंता मत करो, तुम अपना वादा पूरा करो। शौर्य सांझ को कार में बिठाकर मजिस्ट्रार ऑफिस ले आता है। सांझ कहती है, पर शौर्य मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है। तो शौर्य कहता है, कोई बात नहीं। दोनों मजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाते हैं। सांझ का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद कुछ पेपर्स पर साइन कर दोनों
एक रिश्ते में बंध चुके थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। वहीं शौर्य अपनी और सांझ की एक सेल्फी क्लिक करता है और अपने फ़ोन पर सेव कर लेता है। सांझ को अपने फार्म हाउस पर ले जाने लगता है। वहीं कुछ गाड़ियां शौर्य का लगातार पीछा कर रही थी, जब से वो ऑफिस से निकला था सांझ को लेकर। उन गाड़ियों को देखकर शौर्य एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। सांझ शौर्य से कहती है, शौर्य प्लीज़ हमें हमारे घर छोड़ दो, प्लीज़, जब तक छोटी ठीक नहीं हो जाती। शौर्य कहता है, मैं इस बात को मान सकता हूँ, पर पहले मुझे तुम एक किस देना होगा तुम्हें, और तब तुम मुझसे दूर रहोगी। जब तक तुम मुझसे दूर रहोगी, जितने दिन तुम मुझसे दूर रहोगी, उन हर दिनों में तुम्हें मुझे एक किस देना होगा, हर रोज़। ये शर्त मंजूर हो तो तुम अपने घर में रह सकती हो। तो सांझ शौर्य को घूर कर देखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सांझ का ये रिएक्शन देखकर शौर्य को बड़ा मज़ा आ रहा था। सांझ जल्दी से शौर्य के गाल पर एक किस करती है और कहती है, ठीक है अब चलो, और मेरी मजबूरी का ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ। शौर्य प्लीज़ हमें घर छोड़ दो, प्लीज़। सांझ की बात सुनकर शौर्य कहता है, ठीक है ठीक है, ज़्यादा नाटक मत करो। शौर्य सांझ को घर छोड़ देता है। सांझ अपने घर का लॉक खोलती है और अंदर चली जाती है। शौर्य सांझ को घर छोड़कर अपने विला पहुंचता है तो वहां रणविजय जी गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं। तो हेलो गाइस, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। तो और मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने ये वाला जो एपिसोड है वो काफ़ी जल्दी जल्दी में बोला है, आप लोगों को जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किया है। तो आई एम सो 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 सॉरी अगर आपको बहुत सारी मिस्टेक मिले। तो आई एम सो सॉरी मैंने ये एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी में किया है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और रिकॉर्डिंग भी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जो भी मिस्टेक हुई हो उन्हें प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो थैंक यू आप सबके इतने सपोर्ट के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे आप इस स्टोरी में आगे क्या देखना चाहते हैं।